सब्सक्राइब करें मेरा चैनल सुपर टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट वीडियोस के लिए बेल आइकॉन दबाएं। वेलकम टू माय चैनल सुपर टेक्नोलॉजी, मेरा नाम मनदीप दुल्ट। दोस्तों जूम ऐप के रिलेटेड मैं बहुत सी वीडियोस अपलोड कर चुका हूं, आप जूम प्ले लिस्ट में विजिट करके देख सकते हो। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि अगर आप एज ए पार्टिसिपेंट विदाउट इंस्टॉल ऐप, मीन्स आप अपने फोन में ऐप को इंस्टॉल नहीं करना चाहते, जब आपके फोन में ऐप इंस्टॉल नहीं हो रही, तो आपने एज ए पार्टिसिपेंट मीटिंग को कैसे ज्वाइन करना है, ये सभी देखने के लिए बने रहे मेरे वीडियो के एंड तक। दोस्तों लेफ्ट फोन को मैं एडमिन फोन यूज करूंगा, मीन्स टीचर फोन यूज करूंगा। राइट फोन को मैं पार्टिसिपेंट फोन यूज करूंगा, मीन्स स्टूडेंट फोन यूज करूंगा। दोस्तों एडमिन फोन में जूम ऐप इंस्टॉल्ड है, लेकिन पार्टिसिपेंट फोन में जूम ऐप इंस्टॉल्ड नहीं है। दोस्तों अभी यहाँ पे मैं एज ए एडमिन न्यू मीटिंग पे क्लिक करके मीटिंग को स्टार्ट कर रहा हूँ। दोस्तों लेफ्ट फोन पे एज ए एडमिन एज ए टीचर मीटिंग स्टार्ट हो चुकी है। अभी हम राइट फोन से मीटिंग को स्टार्ट करेंगे। दोस्तों अभी मेरे व्हाट्सएप पे लिंक रिसीव्ड है, जिसमें मीटिंग लिंक, मीटिंग आईडी एंड मीटिंग पासवर्ड अवेलेबल है। तो अभी आपने यहाँ गूगल क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है एज ए स्टूडेंट या फिर एज ए पार्टिसिपेंट। दोस्तों जैसे ही आप गूगल क्रोम ब्राउज़र को ओपन करोगे, उसके बाद आपने राइट टॉप पे क्लिक करना है 3 डॉट्स पे। आफ्टर दैट यहाँ पे डेस्कटॉप साइट की ऑप्शन शो होगी, तो आपने डेस्कटॉप साइट पे क्लिक करना है एंड सर्च बार में आपने सर्च करना है zoom.us। जैसे आप एंटर करोगे तो आपके पास वेबसाइट ओपन हो जाएगी। वेबसाइट ओपन होने के बाद आपने यहाँ ज्वाइन ए मीटिंग पे क्लिक करना है। जैसे आप ज्वाइन ए मीटिंग पे क्लिक करोगे तो आपके पास यहाँ पे मीटिंग आईडी एंटर करने की ऑप्शन शो होगी। आपने यहाँ पे आईडी एंटर करनी है जो भी आपको रिसीव हुई है टीचर की तरफ से। जैसे यहाँ पे मेरे पास आईडी रिसीव हुई है 9700022310 और पासवर्ड ST। दोस्तों आपने यहाँ पे इस इन्फॉर्मेशन को एंटर कर देना है, मीटिंग आईडी को एंटर करना है एंड ज्वाइन पे क्लिक करना है। दोस्तों आफ्टर दैट आपके पास यहाँ पे ऑप्शन शो होगी लॉन्च मीटिंग की एंड डाउनलोड नाउ की, लेकिन आपने यहाँ ज्वाइन फ्रॉम ब्राउजर पे क्लिक करना है। जैसे आप ज्वाइन फ्रॉम योर ब्राउजर पे क्लिक करोगे, दोस्तों यहाँ पे आपको माइक्रोफोन ग्रीन कलर में ब्लिंक करता शो होगा और आप यहाँ पे क्लिक करके इसे म्यूट या अनम्यूट कर सकते हो। एंड यहाँ पे आपको कैमरा शो होगा, तो आप यहाँ पे क्लिक करके कैमरा को ऑन ऑफ कर सकते हो। दोस्तों अगर आप को यहाँ पे माइक्रोफोन या कैमरा प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा, तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है एंड परमिशंस पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने कैमरा एंड माइक्रोफोन एंड साउंड की परमिशन को यहाँ पे अलाउ कर देना है। आफ्टर दैट आपने यहाँ पे अपना नेम एंटर करना है, रिमेम्बर माई नेम फॉर फ्यूचर मीटिंग्स। दोस्तों अगर आप सेम नेम को सेव रखना चाहते तो आपने रिमेम्बर माई नेम फॉर फ्यूचर मीटिंग पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपने आई एम नॉट ए रॉबर्ट पे क्लिक करना है। आफ्टर दैट यहाँ पे आपको कैप्चा एंटर करने की ऑप्शन शो होगी, तो आपने कैप्चा एंटर करना है। जैसे यहाँ पे शो हो रहा है ब्रिजेस पे क्लिक करना है, अभी यहाँ पे मैं ब्रिजेस पे क्लिक कर रहा हूँ। उसके बाद आपने वेरीफाई करना है। आफ्टर दैट जैसे कैप्चा वेरीफाई हो जाएगा, उसके बाद आपने ज्वाइन पे क्लिक करना है। दोस्तों जैसे आप ज्वाइन पे क्लिक करोगे, तो आपके पास यहाँ पे मीटिंग पासकोड एंटर करने की ऑप्शन शो होगी, तो आपने मीटिंग पासकोड एंटर करना है जो भी आपको व्हाट्सएप पे या किसी अदर सोर्स के थ्रू रिसीव हुआ। जैसे मेरे पास यहाँ पे रिसीव हुआ है ST, तो आपने यहाँ पे पासकोड एंटर कर देना है, ज्वाइन पे क्लिक करना है। दोस्तों जैसे आप ज्वाइन पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपकी मीटिंग ज्वाइन हो जाएगी। दोस्तों अगर आपके पास यहाँ पे माइक्रोफोन या फिर कैमरा या कोई अदर ऑप्शन काम नहीं कर ली प्रॉपरली, तो आपने यहाँ 3 डॉट्स पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने डेस्कटॉप साइट से एग्जिट कर जाना है, आपने इसे अनसेलेक्ट कर देना है। अभी मैंने यहाँ पे डेस्कटॉप साइट को अनसेलेक्ट कर दिया है। उसके बाद फिर से स्क्रीन रिफ्रेश होगी। दोस्तों जैसे स्क्रीन रिफ्रेश होगी, उसके बाद फिर से आपने कैप्चा पे क्लिक करना है एंड फिर से आपने कैप्चा एंटर कर देना है एंड ज्वाइन पे क्लिक करना है। दोस्तों जैसे आप फिर से ज्वाइन पे क्लिक करोगे, दोस्तों अभी मीटिंग मोबाइल व्यू में स्टार्ट हो गई है। जैसे हम 3 डॉट्स पे क्लिक कर रहे हैं, तो अभी यहाँ पे डेस्कटॉप साइट अनसेलेक्टेड है, इट मींस मीटिंग मोबाइल व्यू में स्टार्ट हो चुकी है। जैसे यहाँ पे मैं कैमरा को डिसेबल करता हूँ, तो यहाँ पे वीडियो ऑफ हो गई है। और जैसे मैं यहाँ पे माइक्रोफोन को म्यूट करता हूँ, तो यहाँ पे माइक्रोफोन भी म्यूट हो जाता है। तो दोस्तों इस स्टेप से आप माइक्रोफोन को म्यूट या फिर अनम्यूट कर सकते हो। एंड अगर आपके पास यहाँ पे माइक्रोफोन को कोई
यूज करने की प्रॉब्लम आ रही है तो आप यहाँ पे क्लिक करके माइक्रोफोन को चेंज कर सकते हो। एंड ऐसी अगर आप रियर कैमरा यूज करना चाहते हो तो आपने यहाँ बैक कैमरा पे क्लिक करना है, तो यहाँ पे बैक कैमरा शो होना स्टार्ट हो जाएगा। और अगर आप फ्रंट कैमरा यूज करना चाहते हो तो आप यहाँ पे क्लिक करके फ्रंट कैमरा यूज कर सकते हो, जहाँ पर आप सेम एस सिस्टम पे क्लिक करके भी फ्रंट कैमरा को यूज कर सकते हो। एंड दोस्तों अगर आप पार्टिसिपेंट की लिस्ट देखना चाहते हो, अपने पार्टिसिपेंट पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपको सभी पार्टिसिपेंट की लिस्ट शो हो जाएगी। यहाँ पे क्लिक करके आप खुद को रीनेम कर सकते हो एंड खुद को यहाँ पे म्यूट भी कर सकते हो। एंड दोस्तों अगर आप इसे क्लोज करना चाहते हो, आप यहाँ पे क्लिक करके क्लोज भी कर सकते हो या फिर पॉप आउट भी कर सकते हो। एंड दोस्तों अगर आप हैंड से स्वाइप करोगे तो यहाँ पे आप जूम इन जूम आउट या फिर स्वाइप भी कर सकते हो। एंड दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे शो हो रही है चैट की, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके पास चैट बॉक्स ओपन हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे किसी के भी साथ चैट कर सकते हो अगर चैट ओपन है टीचर की तरफ से। दोस्तों अगर आप चैट बॉक्स को क्लोज करना चाहते हो तो आपने यहाँ मोर पे क्लिक करना है, उसके बाद फिर से आपने चैट पे क्लिक करना है। जैसे आप चैट पे क्लिक करोगे तो चैट बॉक्स क्लोज हो जाएगा। आफ्टर दैट जैसे आप मोर पे क्लिक करोगे, मोर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे डिसेबल वीडियो रिसीविंग, अगर आप यहाँ पे क्लिक कर दोगे तो आपको टीचर की वीडियो शो होना स्टॉप हो जाएगी। उसके बाद आप फिर से यहाँ पे क्लिक करके वीडियो को अनेबल कर सकते हो दोस्तों। लेकिन आप ब्राउजर के थ्रू स्क्रीन शेयरिंग नहीं कर सकते, एज ए टीचर भी आप यहाँ पे मीटिंग को ज्वाइन कर सकते हो, एज ए पार्टिसिपेंट भी आप ब्राउजर के थ्रू मीटिंग को ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन आप स्क्रीन शेयरिंग नहीं कर सकते, ना ही एज ए टीचर ना ही एज ए स्टूडेंट। दोस्तों अगर आपको बॉटम पे ऑप्शन शो नहीं हो रही तो आपने स्क्रीन को थोड़ा स्वाइप अप करना है, जैसे आप स्वाइप अप करोगे तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन शो होनी स्टार्ट हो जाएंगे। दोस्तों अगर आप मीटिंग को लीव करना चाहते हो तो आपने यहाँ लीव पे क्लिक करना है, जैसे आप यहाँ राइट बॉटम कॉर्नर पे लीव पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे क्लिक करके मीटिंग को लीव कर सकते हो। दोस्तों अगर आपकी जूम ऐप या किसी अदर एजुकेशन ऐप पर कोई क्वेरी है या कोई सजेशन है तो मेरी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपके रिकमेंड कर अप्लाई करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल फॉर लेटेस्ट अपडेट्स।